आसमान में बिजली चमकते हुए हम सब ने देखा है। तो जब ये बिजली चमकती है तो क्या होता है, बहुत बार हमने देखा है कि ये बिजली बहुत तेज चमकती है और एक करंट की तरह ये जमीन पर किसी बिल्डिंग पर या किसी चीज पर आकर गिरती है। तो पहला तो ये बिजली चमकती क्यों है और जब ये बिजली चमकती है तो ये जमीन पर आकर क्यों गिरती है, इसके पीछे का रीजन क्या है, असल में क्या होता है, ये रोशनी है क्या असल में, इसे समझने के लिए हम ये एनिमेशन देखेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, हम देख पाते हैं कि जब आसमान में क्लाउड फॉर्म होता है तो वो असल में है क्या, बहुत सारा वाटर वेपर है और बहुत सारे आइस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब ये सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं और आपस में टकराते हैं, रब होते हैं, तो क्या होता है, उनके अंदर में चार्ज डेवलप होता है। तो वही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स के अंदर भी डेवलप हो जाता है। और जब ये चार्ज क्लाउड्स के अंदर डेवलप होता है तो इसमें एक अरेंजमेंट हो जाता है बहुत बार। तो होता यह है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऊपर की तरफ अलाइन हो जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ अलाइन हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में जब भी कोई नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अगर हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाएंगे तो क्या होगा, ये वाला जो सरफेस होगा, जो उसके करीब वाला सरफेस होगा, वहां पर हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाते हैं। तो ऐसा अर्थ के साथ भी होता है, जब ये वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज होता है और ये अर्थ के पास होता है तो अर्थ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है सरफेस पर। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, यहां पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और इसकी वजह से क्या होता है, जो क्लाउड है वो अपने जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है उनको डिस्चार्ज करना चाहता है, कम करना चाहता है। तो यहां पर क्या होता है, एक थंडर जिसके हम बोलते हैं वो जब फॉर्म होता है तो इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं क्लाउड से अर्थ में, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ जो है एक बहुत बड़ा सिंक है चार्जेस के लिए, किसी भी टाइप के चार्ज वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहां पे क्लाउड्स का जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं बहुत तेजी से अर्थ में। तो यही जो कोशिश है क्लाउड्स की इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने की अर्थ में, इसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं या वो जो बिजली चमकती हुई देखते हैं हम, वो असल में यही है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड से अर्थ में ट्रांसफर होते हैं उसी को हम बिजली गिरना कहते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लाउड से अर्थ में ट्रांसफर हो रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है, इसकी वजह से बहुत बार अर्थ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स को डैमेज पहुंचता है, बहुत सारे बिल्डिंग्स में आग लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो है बहुत ऊंचे बिल्डिंग्स हैं, पर्टिकुलरली जो चर्चेस हैं, क्या होता है वो बहुत ऊंचे होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने की बारी आती है तो जो सबसे करीब वस्तु मिलती है क्लाउड उसी को टारगेट करता है। तो यहां पर ये काफी ऊंचे हैं बाकी वस्तुओं से तो उनको टारगेट करता है, यहां पर बिजली गिरती है और इनमें आग लग जाती है और इसके कारण से बहुत सारे चर्चेस पहले के टाइम में डैमेज होते थे। तो उसको ठीक करने के लिए कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक डिवाइस इन्वेंट किया। वो डिवाइस क्या है, उसे कहते हैं लाइटनिंग रॉड। तो लाइटनिंग रॉड का इन्वेंशन किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये लाइटनिंग रॉड लगता कहां पर है, जो ऊंची इमारतें होती हैं उनके टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये लाइटनिंग रॉड लगाया जाता है और जब बिजली गिरती है तो उसका कांटेक्ट सबसे पहले इस लाइटनिंग रॉड के साथ होता है और वो जो बिल्डिंग है उसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं होता है। तो ये लाइटनिंग रॉड कैसे लगा होता है कि ये कोई डैमेज बिल्डिंग को नहीं होना देता है, इसको समझते हैं। तो सबसे ऊंचा जो पॉइंट होता है वो लाइटनिंग रॉड है और वो एक वायर से ग्राउंड में कनेक्टेड होता है। तो ग्राउंड में एक रॉड होता है, उस रॉड से ये कनेक्टेड होता है, यानी कि यहां पर अर्थ से कनेक्टेड है ये लाइटनिंग रॉड। तो जब भी चार्जेस आते हैं तो उन चार्जेस को इजीली फ्लो होने का रास्ता देता है ये लाइटनिंग रॉड, क्योंकि ये कनेक्टेड है अर्थ से और अर्थ एक बहुत बड़ा सिंक है चार्जेस का। तो क्या हो रहा है, यहां पर इस बिल्डिंग को कुछ भी नहीं हो रहा है, जो भी चार्ज आया
वो इस लाइटनिंग रॉड में आया और यहां से फ्लो होके इस ग्राउंड रॉड में चला गया, अर्थ में चला गया। तो अब क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? द लाइटनिंग रॉड इज कनेक्टेड टू द क्लाउड्स, एयर या ग्राउंड। अगर हम लाइटनिंग रॉड की बात करते हैं तो वो किससे कनेक्टेड होता है? क्लाउड से कनेक्टेड होता है या एयर से कनेक्टेड होता है या ग्राउंड से कनेक्टेड होता है? कौन सा होगा सही जवाब? सही जवाब होगा ग्राउंड। तो जो लाइटनिंग रॉड है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है और वो चार्जेस को ग्राउंड तक फ्लो होने का एक रास्ता देता है। तो अब हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब अगर लाइटनिंग रॉड नहीं इंस्टॉल्ड है किसी बिल्डिंग पर तो यहां पर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। तो सबसे ऊंचे क्या है यहां पर? एक ये बिल्डिंग और एक ये पेड़। तो क्लाउड ने क्या किया? टारगेट किया इस बिल्डिंग को और इस पेड़ को, क्योंकि उसको अपना चार्ज ट्रांसफर करना है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना है। तो जब उसने इस बिल्डिंग को हिट किया तो क्या हुआ? क्या चार्ज ग्राउंड तक पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ये बिल्डिंग तो सीमेंट का बना है, ये तो कोई कंडक्टर नहीं है। वैसे ही ये पेड़ भी कोई कंडक्टर तो है नहीं। तो क्या हुआ? डैमेज डायरेक्टली इन ऑब्जेक्ट्स पे हुआ। अब अगर लाइटनिंग रॉड लगा होता है तो ये पूरा सिचुएशन कैसे चेंज होता है ये देखते हैं। तो अब यहां पर भी ये सारे ऑब्जेक्ट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, लेकिन लाइटनिंग रॉड के लगाने की वजह से सबसे ऊंचा ऑब्जेक्ट अभी क्या है यहां पे? लाइटनिंग रॉड है। और लाइटनिंग रॉड क्या है? नीचे ग्राउंड रॉड से कनेक्टेड है। ये जो बिजली यहां पर टकराई इससे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए रॉड के थ्रू, इस वायर के थ्रू होते हुए अर्थ में चले गए। बीच की किसी भी वस्तु पर कोई भी डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि क्लाउड को एक आसान रास्ता मिल गया ट्रांसफर करने का और वो उसी को हमेशा टारगेट करेगा। तो यही चीज होती है जब हम लाइटनिंग रॉड इंस्टॉल करते हैं किसी भी बिल्डिंग के ऊपर में। तो क्या होता है? बिजली उस लाइटनिंग रॉड के ऊपर गिरती है, इलेक्ट्रॉन्स उसके थ्रू अर्थ में चले जाते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट किस चीज के ऊपर बेस्ड है? बेस्ड है कि द अर्थ इज अ ह्यूज सिंक फॉर ऑल चार्जेस, यानी किसी भी तरीके का चार्ज हो अर्थ उसे इजीली अपने अंदर ले लेता है और न्यूट्रल ही रहता है। तो इसीलिए अर्थ को हम कहते हैं बहुत बड़ा सिंक चार्जेस के लिए, और दैट इज व्हाई ऑल चार्जेस कैन बी सेफली ट्रांसफर्ड टू द अर्थ। इसलिए सारा चार्ज जो है अर्थ में इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, और यही प्रिंसिपल लाइटनिंग रॉड में भी इस्तेमाल किया जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यू कैन ऑल्सो रजिस्टर फॉर फ्री एट deltastep.com टू गेट ऑल लर्निंग रिसोर्सेज एज पर ICSE, CBSE, IB, Cambridge or any other curriculum. Over 5,000 amazing lectures across Maths, Science, English and Social Science. Our unique interactive video technology keeps you engaged, and our iDictionary feature allows you to quickly revise any concept. Master each topic at your own pace with our adaptive practice technology and 1 million plus questions. Get instant answers and detailed solutions. Be exam ready by taking unlimited mock tests. Performance analysis along with actionable feedback. Personal tutors to resolve your slightest of doubts. That's not all. You also get amazing prizes like PlayStations, iPads, watches and many more, along with certificates through our Earn As You Learn program. So at deltastep.com, learning is not just fun and easy, it's rewarding too. So register for free now.